गुड मॉर्निंग, ये नेक्स्ट डे है हमारी ट्रिप का और अब हम लोग तैयार होकर, खैर तैयार होकर ही जाते हैं, हम लोग आज आमेर फोर्ट घूमने जा रहे हैं। आज जयपुर में हमने सबसे पहले जल महल देखा। जल महल मानसागर लेक में जयपुर सिटी में ही है और यहाँ पे एंट्री फ़ीस हमारी वैसे कुछ भी नहीं लगी थी, पर मैंने गूगल पे डाल के फिर भी चेक करा था जाने से पहले, तो इंडियंस की 10 रुपीज़ एंड फॉरनर्स की 50 रुपीज़ थी, पर ओवरऑल व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो हम लोग अभी आए हैं जल महल में, ये रहा जल महल, और आई थिंक यहाँ पे जाने का भी कुछ है नहीं, बोटिंग वगैरह होती है पर उसके अंदर हम नहीं जा सकते, पर अच्छा है, मतलब जितने राजस्थान में पूरी इतनी गर्मी हो रही है, यहाँ पे माहौल मौसम फिर भी चिल है, पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है फिर भी। गए यहाँ पे पूरे कॉरिडोर में यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स ही लग रहे हैं, मतलब आपको ये थोड़ा सा मेला टाइप लगेगा जैसा सूरज कुंड का मेला लगता है फरीदाबाद में, और बाकी हाँ यहाँ पे छोटी बहुत शॉप्स हैं। आगे तक भी सारा ऐसे ही है। तुझे कैसा लगा है, कल वाला ज्यादा अच्छा था ये जल महल? ये वाला ज़्यादा अच्छा है, इसका सारा व्यू देख, लेक के बीच में वहाँ पर महल है, डक्स वगैरह सारी पानी है ना, काफ़ी अच्छा है। हाँ। जो पुराने टाइम के आ जाते हैं, कितना मज़ा आता होगा यहाँ। वही तो, मतलब उस टाइम 15 कुछ होते होंगे। अरे मैं सोच रहा हूँ वहाँ तक जाते कैसे होंगे, बोटिंग तो यहाँ पे हो रही है तो उसके अंदर वैसे कोई जा नहीं रहा है। यहाँ पे बुआ ने बहुत अच्छी सी एक ड्रेस पहनी है और यहाँ पे ये फोटो कुछ शूट हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ खड़े टैक्सी तो पीछे अब फिर मत करना टोक गया। हाँ यही था फोटो, आगे भी मिल जाएगा एक नोटिस। गाइस अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है कि हम लोग कैसे जाएं ऊपर, क्योंकि वो वाला फोर्ट का रास्ता ऐसे बताया कि बिल्कुल खड़ा हुआ है, सो वी खुल तो गया, अ लिटिल कंफ्यूज कि हम कैसे जाएं। यस, और यहाँ पे लोग अपने फायदे के चक्कर में, जीप वगैरह के चक्कर में ढंग से बता भी नहीं रहे। अब हम ये लेकर आए हैं और ये लेकर फोर्ट पे जाने के लिए आप जीप हायर भी कर सकते हो, अपनी कार से भी जा सकते हो और ऑन फुट भी जा सकते हो, आपके हाथ में। यहाँ पे जीप का जो फेयर था वो 450 रुपीज़ था, पर हम पैदल ही गए थे, हमें वो उस चीज़ में ज़्यादा इन्जॉय होता है। और इसी के सामने ही एक पार्किंग है तो वहाँ पे अपनी गाड़ी हम आराम से पार्क कर सकते हैं, और यहीं बाहर ही खाने पीने का भी सामान है तो ठीक था, हम लोगों ने यहीं पे थोड़ा बहुत खा पी के इसके बाद हम फोर्ट के लिए निकले थे। अब हमारी आमेर फोर्ट की चढ़ाई शुरू हो चुकी है विद कोल्ड कॉफ़ी, ये मस्त नीडेड था, मुझे इतनी ज़्यादा याद आई थी। और इन सब ने भी अपना अपना माल ले लिया चढ़ाई के लिए, एनर्जी ड्रिंक। उधर से कार का रास्ता है और हम लोग पर ऑन फुट यहाँ की चढ़ाई कर रहे हैं, आज हम सब कुछ एक्सप्लोर कर डालेंगे, आ जाओ। हम लोग थोड़ी सी चढ़ाई करके ऊपर तक आ गए हैं, अब आई थी हमें टिकट लेनी है, चलो मैं दिखाती हूँ कहाँ से। यहाँ पे नॉर्मल टिकट्स पर पर्सन 100 रुपीज़ है, फॉरेन टूरिस्ट का अलग से ज़्यादा होता ही है 500, बाकी अगर आप स्टूडेंट हो तो अपना आईडी कार्ड अपने फ़ोन में लाओ और हमारा 2020 में काम हो गया, हम चारों का, मतलब हम सबकी टिकट्स के 80 लगे वरना 400 लगते, दैट्स नाइस। चलो स्टूडेंट होने कुछ तो फ़ायदे मिले हमें। रानी पतला होती है ऊपर से घूमर वाला स्टेप हुआ था, बड़ी महारानी देख रही थी वहाँ से। हाँ पर ये चित्तौड़ नहीं है, चित्तौड़ की दीवारें नहीं है यार, पर बहुत अच्छा सा लग रहा, काफ़ी अच्छा है, नाइस। हमारा ऊपर तक आना सफल हुआ।
यार ये क्या है, पानी गर्म करने का ऐसे बात तभी था इन लोगों का। यार पर ये लोग कितनी ज़्यादा लेविश लाइफ जीते थे। इस गेट पे ताला लगा है, पक्का अंदर कुछ है। नहीं पता होगा किसी को चाबी किसके है। वो तो ताला तोड़ भी नहीं सकते हैं। बस यही है। और आराम से टूट भी जाएगा इतना बड़ा। पर किसी को सही बता रहे ये 10 घंटे के खाली लोग यार ये तो भूल भुलैया है। वैसे इसमें जल महल से ज्यादा मजा आ रहा है। ये नहीं ये तो है। ये इस रूम में ताला है। मुझे लग रहा है मेंटेन नहीं है, टूट फूट सकता है। ये एक इनका कॉरिडोर है और ये भी यार मतलब मुझे तो यहाँ की चीजों से प्यार हो रहा है। इतनी ज्यादा अपनी मैं तो हिस्टोरिकल मूवीज भी बहुत देखती हूँ। अपनी तरफ आकर्षित क्या बोलते थे, अट्रैक्ट। यहाँ पे आके हम लोग की तो बहुत ज़्यादा अच्छी शुद्ध हिंदी निकल चुकी है और काफ़ी ज़्यादा ना मतलब यहाँ पे पूरे दिन भी आप घूम सकते हैं, तब भी ये किला ख़त्म नहीं होगा। बहुत अच्छी जगह है और हमें एक खाली सा कॉरिडोर मिल गया, यहाँ पे कोई हैवी और मज़ा आ रहा है। ओ यार ये कहाँ चली गई। चलो यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट्स पिकनिक के लिए आए हुए हैं। हम कहाँ जाते थे और अपने स्कूल से पिकनिक पे? यहाँ पे कुछ रास्ते बंद करे हुए हैं, आई थिंक ये मेंटेनेंस में नहीं है इसलिए। यार पर एक चीज़ समझ नहीं आती, हर कोने में पान वगैरह क्यों लोगों पे? ये वाली चीज़ें भी साफ नहीं रखी जाती क्या? यार ये बहुत ज़्यादा यहाँ से मेरे को लगता पुराने टाइम की रानी वानी इन एरिया हाउस में भी घूमती होंगी। एरिया हाउस कह रही हूँ बहुत रेयर, मतलब कि आज हम अपने महल का भ्रमण करने गए। इन्हें तो पनिशमेंट मिलती होगी। देख ये घूमे सारे, देख कितने सारे घूमे से। अब हम मान जा रहे हैं वो ये देख लैंप्स भी लगे हुए हैं। अब ये अच्छा ये यहीं के लोगों ने लगाए होंगे खैर उस टाइम। ग्रिल्स वाओ यार ये अच्छा लग रहा है ना। हाँ अगर जयपुर आए हो और आमेर फोर्ट नहीं गए तो इसका मतलब कुछ नहीं देखा। मुझे अब समझ आ रहा है ये घूमते घूमते कि इसको बनने में 25 साल क्यों लगे। हर चीज़ इतनी मतलब बारीकी से इतनी खूबसूरती से बनाई गई है, खासकर ये मार्बल पे जो ये कार्विंग कर रखी है इतनी अच्छी अच्छी। वाओ दैट्स अमेजिंग। राजा मान सिंह और राजा जय सिंह के डिजाइन में इतना अच्छा फोर्ट बन के खड़ा हो गया, मतलब बहुत ही अच्छा है। इस समय मैं शीश महल में हूँ और ये बहुत सुंदर है, मतलब हर चीज़ बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ बनी हुई है।
ये जलेबी चौक है, ये पेल येलो और रेड कलर से बनाया हुआ है पूरा मार्बल जो यहाँ पे यूज़ हुआ है, सैंडस्टोन, बहुत अच्छा है। कि हम एक गाइड ही लें, यहाँ पे ऑडियो गाइड भी है, ये वाला आइडिया अच्छा है वैसे पर ये हमें जाते वक्त नहीं दिखा, तो हमने अपने आप ही हम अपनी गाइड थे आज। फोर्ट से आकर हम सब बहुत थक गए थे, हमने होटल पे थोड़ा सा आराम करा और उसके बाद हम लोग निकल गए थे बापू बाज़ार जो यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस मार्केट है। तो हम लोग अभी बापू बाज़ार जा रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए, मुझे ये था कि मार्केट में कुछ दुकानें बंद भी हमें मिल सकती हैं, चलो देखते हैं। बापू मार्केट, ये यहाँ की बहुत फेमस मार्केट है। अभी अभी आया लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए, यहाँ पे कुछ कुछ दुकानें बंद हो रही हैं। दिल्ली वाला काम है ना, अंदर अंदर चलते हैं, रोड पे आराम से चलते हैं ना। हाँ 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 हम लोग लहंगा ढूंढ रहे हैं जयपुर टच में, यहाँ पे हर जगह खिचड़ी सी पक गई दिमाग में हमारे आकर के, यहाँ पे हम इतने कंफ्यूज हो चुके हैं। बॉर्डर्स में वैसे आ रहे हैं, फिर भी ठीक है, नहीं इसमें कलर होता है पर बॉर्डर भी ये चाहिए था, ये वो ये सब तमाम हो सकते। आज का दिन हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, बहुत कुछ नया देखा, काफ़ी कुछ सीखा भी। और बस अब हम खाना खा रहे हैं रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट का नाम राजमहल है, बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।